ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, सीधा 5 पे आ जाओ पढ़ो। ऑथराइज औकात कितनी है और एक शेयर कितने का है? 10 का। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैंने ले लिया, ठीक है। और कंपनी ने कितने अभी ऑफर करे हैं? 50,000। और एक शेयर 3, 3, 2, 2। ये ब्रेकअप है टोटल वैल्यू का। कह रहा है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड, कह रहा है जनता ने 50,000 ही मांगे और हमने भी 50,000 बांट दिए, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है अज्यूमिंग ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। बस अभी इतना ही रखो। एंट्रीज चेक करो ज़रा, एंट्रीज में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अरे ऐसी तो डलेंगी ये दोनों एंट्री, मैंने ऊपर नीचे क्यों डाली है? क्योंकि इन दोनों की डेट सेम होती है, याद करो। क्योंकि जिस दिन आप उन्हें लेटर भेजते हो उसी दिन आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू भी कर लेते हैं, तो कैपिटल में जाना और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ड्यू होना एक ही डेट पर होता है, इसीलिए दोनों एंट्रीज मैंने साथ साथ लिखी हैं। अमाउंट बताओ कितना रहेगा? 50,000 × 3 कितना? 10 क्यों आएगा, एक बार में ले रहे हैं क्या? यहाँ कितना? 1.5 लाख, 1.5 लाख। और इसके अंदर यहाँ भी 1.5 लाख। और भैया दो जगह लिखना, पता नहीं भाई किसके दिमाग में क्या चल जाए, आपने तो ऐसे टेढ़ा करके लिखा था, हमने भी एक बार चला लिया ऐसे। हाँ 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, पक्का नहीं है? ज़रा इसे समझने की कोशिश करो। अगर आप ढंग से देखो तो ये जो लेजर हैं ये तो आपस में कट ही गए हैं। देखो ज़रा, ये अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट तो गया, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गया, तो जिंदा लेजर खाली दो ही जिंदा हैं, एक बैंक जिंदा है और एक कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल जिंदा है। तो ये जो लेजर हैं ये आपस में कट चुके हैं, ये लेजर बनेंगे, ऐसा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे पर ये बंद हो जाएंगे। तो दीज लेजर्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लेजर, ऐसे लेजर दो जो दो एंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों जिंदा हैं और जिंदा लेजर बैलेंस शीट में जाते हैं, आपको याद हो 11th में बताया था पर्सनल और रियल, ये दोनों का नेचर पर्सनल है, वैसे इनका नेचर भी पर्सनल ही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी शेयरहोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों का क्या नेचर है? पर्सनल। तो दोनों बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ये जाएगा एसेट साइड में और ये जाएगा लाइबिलिटीज के अंदर। नरेशन देखो, नरेशन कैसे डालनी है, रजत जी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं टाइपिंग में, उन्हें इग्नोर किया करें, आगे बढ़ा करें, और गलतियों से ज़्यादा अच्छा है सही चीज़ पे ध्यान दें, आगे बढ़ें। अगर मैं 11th वाली बैलेंस शीट बनाऊं तो 11th वाली बैलेंस शीट में चीज़ें कैसे नज़र आएंगी? ये लेजर ख़त्म हो चुके हैं, जो बैंक है ये कहाँ चला जाएगा? एसेट के अंदर, और ये कहाँ चला जाएगा? तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो जाएगी, हाँ या ना? 12th वाली बैलेंस शीट ये है, आपको यही बनानी है और इसमें कोई छेड़खानी नहीं चाहिए, जैसी है वैसी बनेगी। इस चैप्टर में पूरी नहीं बनेगी, इस चैप्टर में खाली इतनी बनेगी बस, क्योंकि हम इस चैप्टर में सीख क्या रहे हैं? खाली शेयर इशू करना, एसेट खरीदना, माल खरीदना, ये बच्चों वाला खेल नहीं चाहिए, खाली शेयर इशू करना सीख रहे हैं, तो ये ही चलेगी बस, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करूं? ये जो 5 लाख है ये तो यहाँ चला जाएगा इसके सामने, और ये जो 5 लाख है ये कहाँ चला जाएगा? इसके सामने, ये करंट एसेट है ना, तो इसके सामने आ जाएगा 5 लाख। अच्छा आपको ना इसकी डिटेल भी देनी पड़ती है, ये 5 लाख कैसे है, तो इसके 5 लाख की डिटेल चेक करो ज़रा। इसे बोलते हैं क्या? नोट्स टू अकाउंट। मतलब अगर आपने यहाँ पर 5 लाख रुपए लिखा, ये क्या 5 लाख है? ये 5 लाख है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है नोट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नोट। फिलहाल ये किसका नोट है? 1, खाली शेयर कैपिटल का नोट है, तो ये उस 5 लाख की डिटेल है, ठीक है। और इसके अंदर भी कितना था यहाँ पर?
5 लाख, इसकी डिटेल इसके अंदर रहेगी। इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, तो आपने सबसे पहले ये बताना है। उसके नीचे आपने इशू कितने किए हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। फिलहाल इसके अंदर दिखाई देंगे सारे के सारे। अब ये इसके अंदर क्यों दिखाई दिए ये अभी नहीं बता सकता, अगली क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है। कि शेयर यहाँ कब दिखाई देंगे और यहाँ कब दिखाई देंगे ये आपको बाद में पता चलेगा, आराम से चेक करो बेटा। ये ना 6 लाख, 5 लाख और 5 लाख है, ढंग से देख लो, कोई डाउट है तो बता दो। कोई बोलेगा कुछ, ये समझ आ गया नोट्स टू अकाउंट? ख्याल रखना मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोगों को ये हेडिंग दिखानी है, ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा यहाँ पर ये दिखा दिया। यहाँ कितना रखा था 5 लाख, यहाँ कितना रखा है तो ये 5 लाख ये वाला है, ये तो खाली हाथी के दांत हैं खाने के, और तो आपको ये वाला 5 लाख है, जो ये 5 लाख वहाँ गया है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन खाली दिखावे के लिए है, पर दिखानी तो पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि तुम जनता को ये तो बताओगे ही, साथ में ये भी बताओगे। क्यों? 11th में पढ़ा था ना फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर कह रहा सब बता दो, सब बता दो, जो है सब बता दो, तो वही तो कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट भी और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो भी बता रहे हैं जनता। आगे चले जाएं, किसी का कोई डाउट शाउट है तो बताओ। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, अभी इस क्वेश्चन में मांगा क्या था, जर्नल एंट्री और कि शेयर कैपिटल कैसे दिखेगी। अब मैं कह दूं मुझे जर्नल एंट्री नहीं चाहिए तो ये जर्नल एंट्री हट जाएंगी, आप लोगों को खाली ये हिस्सा और साथ में ये वाला नोट, बस यही आंसर है फिर, और ये लेजर्स भी नहीं है फिर। मतलब क्वेश्चन के बेस पर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कहानी क्लियर है। अगर जर्नल एंट्री मांगे तो जर्नल एंट्री दिखा दो, लेजर मांगे, आज तक मांगे नहीं है, आज तक नहीं मांगे, 10 साल तो मुझे हो गए देखते देखते, ठीक है, एंट्री मांगे एंट्री दे दो, लेजर मांगे लेजर दे दो। डायरेक्ट बैलेंस शीट मांगे तो जर्नल एंट्री छोड़ो, लेजर छोड़ो, सीधा बैलेंस शीट दिखानी है, उसके अंदर बैलेंस शीट और साथ में उसका नोट्स टू अकाउंट दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा कह दे क्वेश्चन कि इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, सारा पैसा एक ही बार में चाहिए, तो फिर एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने शेयर थे तो यहां एंट्री 5 लाख से आ जाएंगी, यहां पर भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सारा एक बार में हो रहा है, तो फिर खाली एप्लीकेशन लिख दो, अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि दो स्टेप तो चलने पड़ेंगे, लोग पहले मांगेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही तो मैं अलॉट करूंगा। तो पैसा तुम एक बार में मंगवाओ चाहे 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाओ, दो स्टेप तो चलने ही पड़ते हैं। इसीलिए अगर पैसा वन टाइम में आ रहा है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अकाउंट को ज्वाइंट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मैंने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको यह बता देता हूं। आप लोगों के लिए एक तो ये जर्नल एंट्री सारी रहेंगी, उसके अलावा ये वाला हिस्सा रहेगा और साथ में इसका ये वाला नोट, ये वाला बनाओ मत बनाओ तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये होमवर्क के अंदर आपके लिए रहेगा।